इस्तकबाल है आप सभी का अंग्रेज़ की आवाज़ में। दोस्तों, आप सभी को हम जो आज रिपोर्ट बताने वाले हैं, अकोला 13 मई बुधवार के दिन की ये सब रिपोर्ट्स हैं। सुबह 10 बजे रिपोर्ट्स जो अहवाल प्राप्त हुए उसमें 120 अहवाल प्राप्त हुए। पॉजिटिव रिपोर्ट जो आई है 18 पॉजिटिव आई है और 102 निगेटिव आई है। 102 निगेटिव आई है, 18 पॉजिटिव आई है। अकोला शहर में 118 पॉजिटिव आज 13 तारीख को और मिले हैं। इसमें और एक बड़ी बात ये यहाँ पे मालूम पड़ रही है कि जो आज सुबह मिलने वाले 18 लोग हैं, जिसमें 9 महिला है और 9 पुरुष है, उसके अंदर 7 जने जो है खैर मोहम्मद प्लाट से है और बाकी 3 जो गौलीपुरा से है, 3 रामनगर से है और बाकी बापूनगर से, आकुट फाइल के बापूनगर से है। सराफा बाज़ार से भी कुछ पेशेंट है, जूना शहर से कुछ पेशेंट है, जूना शहर पुलिस स्टेशंस, जूने आलसी प्लॉट और प्रत्येक जगह से, यहाँ से एक एक जगह, ये सब जगह से एक एक पेशेंट है। जूना शहर से एक, सराफा बाज़ार से एक और पुलिस, जूना शहर पुलिस स्टेशन के पास से एक, जूना आलसी प्लॉट के पास से एक। अब इसमें एक और यहाँ पे एक जो है 62 वर्षीय एक भीमनगर महिला की जो है उपचार के दरमियान मृत्यु हो गई थी। सोमवार को 4 मई को जो यह है महिला दाखिल हुई थी वहाँ पे अकोला के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसके बाद में 41 लोग अकोला के अंदर 41 लोग जो है जो कोरोना पॉजिटिव, जिसमें सिंधी कैम्प के भी लोग बताए जा रहे थे और कुशीनगर के लोग थे, आकुट फाइल के लोग थे, बैतपुरा के रहवासी थे। इन ऐसे 41 लोगों को कल डिस्चार्ज दे दिया गया। वैसे लोगों को पहले 15-17 दिन के बाद में डिस्चार्ज दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है ये कुछ 8 या 10 दिन के अंदर ऐसा कहा जाएगा कि इनको डिस्चार्ज दिया गया। इससे हम सवाल करेंगे सीएस से जो है कि ऐसा कैसा कि पहले रहने वालों को जो आप है जो 15-17 दिन रख रहे थे और अभी 8-10 दिन में ये लोगों को कैसा आपने डिस्चार्ज दिया है। तो इसके बारे में हम जब सीएस से मिलेंगे वहाँ पर अकोला के, तो उनसे इसके बारे में सवाल करेंगे। तो आज देख सकते हैं 41 लोगों को एक अच्छी खबर भी यहाँ पे मिली है आज हमें, तो 41 लोग अच्छे हो गए हैं। वहीं एक सद्य स्थिति जो है टोटल पॉजिटिव 186 हो गए हैं अकोला शहर में, जिसमें से 15 लोग मर गए हैं, 60 लोगों को डिस्चार्ज हो गया है और जो अभी ट्रीटमेंट शुरू है ऐसे 111 लोग अभी जिनका ट्रीटमेंट शुरू है। तो ये थी अकोला शहर से रंगरेज की आवाज़ न्यूज़, जो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय से हमें माहिती मिली है, गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस से हमें माहिती मिली है, जो हम आपको आप यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज अकोला शहर की पूरी मालूमात। बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए रंगरेज की आवाज़ न्यूज़, सब्सक्राइब करें। अब रोज़ हम आपको इसी तरह से जो है डेटा बताते जाएंगे। जज़ाकअल्लाह।